My friends, so situation under control. First things first, I'll request our dear friend Praveen, who is also very active on the group and who has been helping me continuously to upload these videos on YouTube as well. Praveen, yaar, aap kar dijiyega, kyunki abhi exam bahut nazdeek aa chuka hai. So ye sab videos Facebook se, it will help a lot of students and it will help a lot of our dear friends. Agar ye YouTube pe jaldi se aa jaye to time ki bahut kami hai. Now we'll come to द कल्चर पार्ट. सो कल्चर और ये सब का क्या है ना कि कल्चर में पहले मुझे क्या लगता था पिछले एक साल पहले मुझे लगता था ये भी आएगा. कई लोगों को लग रहा होगा कि ये विजन के नोट से विजन देख लूंगा. प्रॉब्लम क्या होता है छाटने में, हाउ यू गेट द फील कि कौन सा चीज पूछा सकता है, कौन सा चीज इलिमिनेट करना है. सो माई फ्रेंड्स हु यूज्ड टू स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स, आई क्विकली एनालाइज्ड एंड रियलाइज्ड कि वो लोग ज्यादा डेप्थ में पढ़ते नहीं है. फॉर द प्रीलिम्स यू डोंट नीड टू गो इनसाइड, छोटा से छोटा बारीक इन्फॉर्मेशन व्हाट दे ट्राई टू डू ना कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके बुकलेट में सारा दे देते हैं एकदम पकड़ के. ये भी दे दिया, इसके अंदर का भी दे दिया, उसको भी दे दिया कि चलो भाई. और खासकर कल्चर में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, दे गिव सो मेनी इन्फॉर्मेशन, सो मच इन्फॉर्मेशन दैट दिस इज एन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. कल्चर के कुछ ट्रिक्स सो दैट वी शुड बी नोइंग इन द एग्जामिनेशन, देयर हैज टू बी अ क्वेश्चन फ्रॉम बुद्धिज्म. सो बुद्धिज्म से एक सवाल आना ही आना है, चाहे वो कभी दो दो सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो एक बार आया था वो आ सकता है, या तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड. अगर मान लो कि कुछ आ गया, लेट अस से कोई केव दे दिया, कोई पेंटिंग दे दी, भीमबेटका दे दिया, अजंता केव दे दिया, अगर आपको आंसर नहीं समझ में आता है तो बुद्धिज्म मारिएगा टिक लगाने के लिए, ठीक है. हीन यान, महायान, ये सब जो भी होता है, मतलब बुद्धिज्म से एक सवाल आना ही आना है, ये 100% श्योर है. क्वेश्चन का फॉर्म अलग हो सकता है, बट वन क्वेश्चन हैज टू बी फ्रॉम बुद्धिज्म. सो यू हैव टू कीप एट योर बैक ऑफ योर माइंड कि अगर क्वेश्चन में बुद्धिज्म या उससे रिलेटेड आंसर नहीं आया है तो मुझे वो आंसर चाहिए कहीं से. और जैसे लास्ट ईयर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द बुद्धिस्ट को दिखाते हैं, तो अजंता और एलिफेंटा कुछ, बाकी तीन केव्स मुझे आते भी नहीं थे. तो मैंने सोचा यार अजंता में जरूर बुद्धिस्ट के लिए कुछ होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा. तो मैंने अजंता मारा था और वो सही भी हो गया था. उसी तरह से रबर टायर वाला भी मेरा सही हो गया था कि वो जरूर उसके अंदर उसको करते होंगे वो लोग, तो ये उसके BIS हॉलमार्क होगा, वरना टायर चल कैसे रहा है इतना दिन से. सो लॉजिकल रैशनल थिंकिंग और बेस्ट ऑप्शन, सुना हुआ ऑप्शन जो आपको पता है, जो लगता है कि बढ़िया हो सकता है, वो आंसर निकलता है. दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे यू गाइज, ठीक है. या बुद्धिज्म बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, या जैसे मैंने बताया प्रीवियस वीडियोज में, वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार, दीज विल बी इन द आंसर और दीज हैव टू बी द आंसर. गैंगेटिक डॉल्फिन, ये समझ रहे हैं ना, दिस इज द जनरल नेचर ऑफ UPSC, इट हैज टू आस्क दोज क्वेश्चंस एंड इट विल कीप आस्किंग दोज क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू द कल्चर, ये वाला पार्ट पढ़ने में एक तो मुझे बहुत नींद भी आता है, दूसरा मुझे बड़ा दिक्कत भी होता है कि क्या छाटू क्या नहीं छाटू, तीसरा मुझे लगता है कि अल्टीमेटली व्हाट क्वेश्चंस विल कम, आई हैव रेड सो मेनी थिंग्स इन कल्चर एंड पता चला इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया एंड वी कांट इवन बिकम प्रोडक्टिव. सो व्हेन आई वाज मेकिंग आल्सो आई वाज मेकिंग श्योर कि नॉट फॉर द जस्ट ऑफ द सेक ऑफ मेकिंग, बट वी विल बी मेकिंग नोट्स विच विल बी हाईली प्रोडक्टिव इन नेचर. अगेन आई वुड से पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड इफ दे फॉलो द नोट्स डिलीजेंटली एंड रिलीजियसली, trust me, from these notes of the PURA notes that we are doing, at least 20-25 questions based of 50 marks will come directly in the examination. Because UPSC can't like escape the notes which are from student perspective. अगर उतना marks का नहीं आएगा question, तो आप ये समझिए कि मेरा कभी उतना marks 105-110 कभी आता ही नहीं. मैं तो यही पढ़ता था और इसी तरह से पढ़ता था. सो कुछ तो नंबर आता था, मुझे भी कुछ आ ही जाता था, है कि नहीं. सो यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है. नाउ विल स्टार्ट विद द कल्चर. सबसे पहले कल्चर स्टार्ट करने से पहले GI टैग है खड़क सिंह, कोई मुर्गा या मुर्गी है, मुर्गा है आई थिंक मध्य प्रदेश में, उसको मिल गया है खड़क मुर्गा है या क्या है, वो ब्लैक कलर का है, उसमें बहुत प्रोटीन पाया जाता है. तो दिस इज वन ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट माइट बी कमिंग, ये लिखा हुआ नोट्स में नहीं है, सो दैट यू शुड बी नोइंग. वन GI टैग इन मध्य प्रदेश, वन क्या बोलेंगे उसको, हेन बोलेंगे, ये मुर्गाई बोलते हैं, हेन वेन में चिल मारो, ठीक है. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो GI टैग, लेट अस से द GI टैग क्या 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 होता है. तो GI टैग सबको पता है जो तैयारी कर रहे हैं कि अपना अपना दिखाने के लिए होता है कि कहाँ कहाँ क्या है. तो कल्चर से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है. तो स्टोन्स कल्चर्स, और ये वीडियो 20 मिनट में जल्दी से खत्म करने का प्लान है. तो स्टोन्स कल्चर्स ममलपुरम करके एक जगह है जो कि पलवाज ने बनाया था 7th century में. अब यही चीज अगर आप विजन में पढ़ोगे तो आपको ये टोटल मिला के आधा पेज पढ़ना पड़ेगा. तो लास्ट में क्या होता है कि आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड ओनली दोज थिंग्स जो काफी तुरंत देखे, और वो वर्ड कीवर्ड, डोंट रीड द एंटायर पैराग्राफ एंड सर्चिंग फॉर द बोल्ड अल्फाबेट्स, ओके. सो कीवर्ड्स जो है कि पल्लव्स ने बनाया था इसको ममलपुरम में
स्टोन स्कल्पचर्स को 7th सेंचुरी में बनाया था, एंड हैमर इन चीजल टेक्निक। आप मुझसे पूछो कि हैमर इन चीजल टेक्निक क्या है, तो मैं अपने हाथ खड़े कर दूंगा, ना मुझे पता है ना आपको पता होगा। हैमर से कुछ बनाते होंगे, क्या पता क्या है, लेकिन ये वर्ड याद होना चाहिए कि ध्यान में होना चाहिए, बस एक बार सुन लो कि हैमर इन चीजल टेक्निक से पल्लवाज बनाते थे। और एटी कोपा का क्या है यार, ईवी कोपैया का टॉयस करके कुछ है, देख लेना एटी कोपा का, वो आंध्रा के टॉय मेकिंग कुछ है, उसको भी ये मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गमीरा डांस तो गमीरा डांस जो है वो वेस्ट बंगाल का डांस है, वो शक्तिज्म से रिलेटेड है, उसमें मेल फीमेल और एनिमल तीनों को पोर्ट्रे करते हैं। ये डेटा आपको समझ में आना चाहिए, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, मतलब गमीरा डांस सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ साथ ये दूसरा इन्फॉर्मेशन भी रखना जरूरी होता है। शक्तिज्म को फॉलो करते हैं, शक्ति आदि शक्ति ये सब का, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक दोनों इंपॉर्टेंट नहीं था, तीसरा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में मुंबई पहला एशियन सिटी बना है, जिसको पहला इंडियन सिटी बना है जहाँ पे वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा क्या है, फैलन कॉन्ग करके एक धर्म है, जो कि चाइना में होलिस्टिक सिस्टम है, जो चाइना में एक धर्म था या कुछ है कि मेडिटेशन ये है, वहाँ चाइना ने बैन कर दिया है, पर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इसको अभी भी मनाया जाता है, मोरल एंड स्पिरिचुअल करके, फैलन कॉन्ग। आई डोंट थिंक इट विल बी आज। सबरीमाला अगेन इट इज इन यूज फॉर 2-3 ईयर्स, क्यों, क्योंकि सबरीमाला वो टेम्पल था जहाँ की कुछ लोग इंटर कर गए थे आई थिंक, तो सबरीमाला वेस्टर्न घाट केरला में पाया जाता है, पेरियार टाइगर रिजर्व के बगल में है, और नेशनल पिलग्रिमेज सेंटर बनाने की इसको बात कही जा रही है। तो कुछ ना कुछ कारण से सम थिंग्स ऑलवेज रिमेन इन न्यूज, लाइक मजुली आइलैंड, लाइक द गैंगेटिक डॉल्फिन, लाइक द ओलिवरेडी टर्टल, उसी के जैसा ये सबरीमाला भी है। ठीक है, देन फोर्थ इंटरनेशनल डायलॉग एंड सिविलाइजेशन न्यू दिल्ली में हुआ। अगर कोई क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल डायलॉग या कोई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कुछ भी आता है, तो आप इंडिया की सिटीज मारिएगा, अगर इंडिया की सिटीज में नहीं हुआ होगा तो वो क्वेश्चन पूछता ही नहीं। इस टाइप से आने का GES जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक समिट हुआ, एंटरप्रेन्योर समिट हैदराबाद में हुआ, तो ट्राई टू टेक द गेस कि इंडिया के कोई सिटी में हुआ होगा, अनटिल अनलेस यू नो कि बाहर के सिटी में हुआ होगा। जब आंसर पता है तो आंसर पता है, नहीं पता है तब का गेसिंग का मैं बता रहा हूँ, तभी न्यूज में आया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन हुआ कि कैसे सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। ये 2017 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दे दिया गया मनमोहन सिंह जी को, 2014 में ये दिया गया था इसरो को, क्योंकि इंदिरा गांधी से रिलेटेड पीस प्राइज ये गवर्नमेंट नहीं देती है, ये बेसिकली लगता है गांधी फैमिली देता है, तो ये मनमोहन सिंह जी को दे दिया उन्होंने। फिर इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑन आर्ट एंड कल्चर ने महानदी रिवर को डॉक्यूमेंट किया है, उसके टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज को, महानदी रिवर के दोनों साइड में जो भी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑन आर्ट एंड कल्चर ने उसको ये करना चाहे डॉक्यूमेंट, तो ये रिवर का नाम याद रखना जरूरी है, महानदी रिवर। फिर मोकोनोस डी रिन्यू करके एक डॉक्यूमेंट है, जो कि पोर्तुगल से इंडिया को कनेक्ट करने के लिए आना नहीं चाहिए, आ गया गलती से भी, तो पोर्तुगल वर्ड इसलिए यहाँ लिख दिया, आएगा नहीं कभी। महानदी रिवर वाला इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम अभी तक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, स्पर्स फिलाटेलपी से स्टैम्प से रिलेटेड है, ये सबको याद हो गया, इतने दिन से चल रहा है। आदि महोत्सव ट्रिफेड, ट्रिफेड क्या है, ट्राइबल वाला जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल आर्टिशियन के रिलेटेड, इसके उनके जो भी आर्टिशियन है, आदि महोत्सव करके एक ये चला है, एक महोत्सव हुआ जहाँ की उसको शो किया गया। ठीक है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस जो SIP है वो मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल को इस बार डेडिकेट किया गया है, जो पार्वती को डेडिकेटेड है उसको ये प्राइज मिला है, ये नहीं आना चाहिए। ये नायक रूलर्स ने बनाया था स्वच्छ भारत अभियान में, बेसिकली सैनिटेशन टूरिज्म और कल्चरल, ये जो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस हैं इसमें 100 आइकॉनिक प्लेसेस को डेवलप करने की बात की जा रही है, और इसमें ये टेम्पल को दिया गया है। ये आया तो ठीक है, स्पर्श आ सकता है, ये नहीं आएगा। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर हो रहा है, ये बिल्कुल मुझे लगता आ जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों आएगा, क्योंकि नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अंदर हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत खुद HRD मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसको देखने के लिए मैंने आज अच्छे से एक भारत श्रेष्ठ भारत का PIB नोटिफिकेशन देखा। कई लोग सोचते हैं ये कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पर गलत है। इनसाइट्स ने भी जब अपना नोट दिया था तो पहले उन्होंने कल्चरल लिख दिया था, फिर उन्होंने बाद में इसको HRD किया था, और विजन ने तो अपने नोट्स में लिखा ही नहीं है ठीक से कि ये किसके अंडर आता है। सो ये किसके अंडर आता है, HRD मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे यार मेरा एक तो लैपटॉप खराब हो जाता है बार बार। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, तो कल्चरल मैप करने के लिए बात की गई है। टूरिज्म मिनिस्ट्री में स्वदेश दर्शन आता है, पर्यटन पर्व आता है, देखो अपना देश आएगा, एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम, ये इस बार सारे टेस्ट सीरीज में पूछा जा रहा है। टूरिज्म मिनिस्ट्री में आता है कि एक हेरिटेज को आप एडॉप्ट करो, लाल किला को करना है, कुतुब मीनार को करना है, उसमें मॉन्यूमेंट मित्र बनाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि आप मॉन्यूमेंट के दोस्त बनोगे। प्रसाद इनिशिएटिव चल रहा है पिलग्रिमेज डेवलपमेंट के लिए, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी ने रोक लगा दिया कि क्या कर रहे हो यार, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो इस पे।
कोई ठीक है, तो ये भी टूरिज्म के अंदर चला है, प्रसाद से पी या पिलग्रीमेज है तो टूरिज्म ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बासावन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिंगायत पे काफी डिबेट भी हुआ है कर्नाटका इलेक्शन में। तो बासावन के जो जो वो बोलते थे उसको वचन बोलते थे, उसमें किया गया, वो लिंगायत कम्युनिटी को जन्म दिए एक तरह से, उसके उससे रिलेटेड है या उसके वो गुरु माने जो भी आप कह लो, वीर शैविज्म में बिलीव करते थे वो लोग। ये 12वीं शताब्दी में आए थे, ये इन कल्याण राज्य का बात करते थे कि पीसफुल राज्य, और ईस्टलिंग का बात करते थे जो शैविज्म है। ईस्टलिंग वो होता है कि वो कोई पोर्ट्रेट को नहीं कर रहे हैं वर्शिप, ईस्टलिंग मतलब अनादि शक्ति के जैसा है। और बासवन की मूर्ति को भी पिछले बार इनोग्रेट किया था इन्होंने, प्रधानमंत्री ने, आई गेस इन पार्लियामेंट में। तो ये इसलिए मैंने पिछले बार इनसाइट्स के टेस्ट सीरीज में देखा था और अभी भी वो रिलीवेंट है। ठीक है, त्यागराज कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, ये कई लोग को बचपन से पता है। राजा राम मोहन रॉय का इस बार मैंने डाला भी था क्योंकि गूगल ने भी सेलिब्रेट किया है 245th ईयर। तो संवाद कॉमेडी और मिरातुल अखबार करके वो दो ये निकालते थे न्यूज, जो भी निकालते थे राजा राम मोहन रॉय और ये लोग जो रिफॉर्मर है, उनसे भी एक सवाल बार बार आता है पर वो इतना टफ हो जाता है कभी कभी कि आंसर नहीं बनता है, पर बासावन डेफिनेटली कमिंग। फिलोसफी यार एक बार देख लेना सब लोग, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आ गया तो फिर नंबर कट जाएगा आसान सा, आप एक बार गूगल कर लेना या कोई टेस्ट सीरीज में देख लेना। द्वैत अद्वैत विशेष द्वैत विशेष द्वैत राम रामन ये रामानुजाचार्य ने दिया था, अद्वैत दिया था शंकराचार्य ने, देन द्वैत अद्वैत दिया था भेद अभेद का, डुअलिज्म और मोनोइज्म, क्या आप डुअल भी हैं बेसिकली, इसमें क्या है मटेरियल है और नॉन मटेरियल है, क्या आपका बॉडी इंपॉर्टेंट है या आपकी ये कोई एक्सटर्नल चीज है भगवान के जैसा। द्वैत दिया था माधवचार्य ने, वो डुअलिस्ट थे कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है। मुझे इसका मीनिंग ठीक से नहीं समझ आता है, मैं अपने टाइम पे भी बस टेस्ट सीरीज से इसको रट्टा मार जाता था कि क्या क्या किसने बोला है, तो मैंने आज भी ज्यादा दिमाग लगाया नहीं नोट बनाने में, इसको एक बार देख लेना, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया वहां पर। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस पटेल जी के जयंती पे मनाया जाता है आजकल, ये सबको पता होना चाहिए। आयरन मैन ऑफ द इंडिया है क्योंकि उन्होंने सारा अखंड भारत का निर्माण किया था, इसलिए बिरसा मुंडा जी मेरे जगह से भगवान माने जाते हैं, उन्होंने बिरसैत रिलीजन को स्टार्ट किया था, छोटा नागपुर प्लेटू में उनका अमर योगदान माना जाता है। इनी बेसेंट 1916 में होम रूल चलाई थी उन्होंने, न्यू इंडिया और कॉमन विल न्यूज़पेपर निकाला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होम रूल किसने चलाया था वो भी इंपॉर्टेंट है, वो शायद लाल बाल पाल में कोई थे, लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद, बाल गंगाधर तिलक ने दूसरा होम रूल बनाया था। ठीक है, देन ऊषा मेहता रेडियो से रिलेटेड थी, ये भी आजादी से रिलेटेड थी। ठीक है, अब हम आते हैं हिस्ट्री में अगेन, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला वही है इंपॉर्टेंट, इससे जो आएगा वो आएगा बासावन ही आएगा, और एडोप्टिव हेरिटेज आएगा, और स्वच्छ आइकोनिक प्लेसेज स्पर्स और सबरीमाला और WCCF। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइका रिबिलियन, जो लोग भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको मालूम है कि खुर्दा उड़ीसा में हुआ था, उसको इस बार भारत ने बोला है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप, पहली बार उसको बोल दिया कि इसको अब से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाएगा, ना कि 1857 को, अब 1807 को, 1817 में ही हुआ था इसी को मानेंगे, इसके 200 साल पूरे हुए हैं इसलिए ये न्यूज में आ गया है। ठीक है, पीजेंट मिलिट्री, इसमें क्या होता था कि पाइका कौन थे, ये मिलिट्री में काम करते थे वहां पे, पीजेंट मिलिट्री, और इसमें जगत बंदी बक्षु थे उड़ीसा में, वो वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इस पूरे में, ऑल्दो यहाँ डिफीट हो गया था इनका, बट इसको माना जाता है कि इन्होंने काफी तकड़म से लड़ाई किया था। ठीक है, फिर स्वच्छ आगरा, पता ही है आपको कि इस बार स्वच्छ आगरा चलाया गया था, 100 साल पूरे हुए हैं किसके, अपने सत्याग्रह के, चंपारण सत्याग्रह के, तो उसके परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस स्वच्छ आगरा, एंड चंपारण सत्याग्रह से क्या रिलेटेड है, तीन काठिया सिस्टम रिलेटेड है, वो खेड़ा बीच में काट दीजिएगा, खेड़ा अलग है, खेड़ा सत्याग्रह भी किया था गांधी जी ने, बट तीन काठिया सिस्टम इज रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो प्लांटेशन जो वहां पे प्रॉब्लम हुआ था। क्विट इंडिया मिशन क्यों हुआ था, क्योंकि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन हुआ था इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, वो ग्वालिया टैंक बॉम्बे से शुरू हुआ था, इसमें कई जगह पे लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट बनाए, और लीडरलेस रिवॉल्ट था क्योंकि सब लीडर को पहले ही पकड़ के अंदर कर दिया था जेल में, स्टिल इट बिकेम सो मच स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री दैट ब्रिटिश नेवर एक्सपेक्टेड, सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस। क्विट इंडिया मूवमेंट का 75th ईयर पूरा हुआ, 1942 में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ कोरेगांव, तो मैं गोरेगांव में रहता हूँ तो मुझे पहले लगा बैटल ऑफ गोरेगांव दिया, बट इट इज कोरेगांव, तो मुझे अच्छे से याद है 3 जनवरी को इस बार क्या हुआ था, मुंबई बंद हो गया था, मुझे ऑफिस में रात में सोना पड़ा था, तो मैं ये कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि अगले दिन सुबह हमें मैसेज आ गया था, वी डोंट वी कांट कम, पूरा लड़ाई हो गया था। क्या हुआ था यहाँ पे, महर करके कम्युनिटी जिसको अनटचेबल्स बोला जाता है, उन्होंने क्योंकि अनटचेबल्स बोलते हैं अब उनको, खराब लेवल पे रखा लोगों ने पहले, तो वो बेचारे ब्रिटिश का साथ देने लगे, अब वो ब्रिटिश का साथ देने लगे, तो जब फोर्थ एंग्लो मराठा वार हुआ था 1817 में, तो उन्होंने ब्रिटिश की तरफ से लड़ा और ये जो भी पेशवा की आर्मी थी उसको हरा दिया, तो वो लोग उसका 200th ईयर ऑफ एनिवर्सरी मना रहे थे कोरेगांव में। ठीक
ठीक है, पर लोगों को ये बुरा लग गया मराठी लोगों को यहाँ पे कि अरे ये क्यों मना रहा है, पर मेहर लोग बोले कि हम लोग का ये अपना कल्चर से रिलेटेड है, सो दैट वाज द डिबेट एंड देयरफॉर ये फाइट हुआ था अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। आई डोंट नो विच साइड टू फेवर बट आई वुड से कि ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, और ये अनटचेबल्स माने जाते थे जिनको बी आर अम्बेडकर ने जोड़ा था, ठीक है। तो बैटल ऑफ कोरेगांव इज अ डिबेटेबल टॉपिक देयरफॉर विल नॉट कम, बट पाइका रिबेलियन एंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चांस ऑफ कमिंग इज सिग्निफिकेंटली हाई जस्ट लाइक भाषावन। देन वी कम टू रिलीजन, तो महाअष्ट अभिषेक जो है, महाअष्टन अभिषेक जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ स्टैच्यू ऑफ बाहुबली है, तो जब से बाहुबली रिलीज हुआ है मुझे लगता है ये ना आ जाए। तो बाहुबली जो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ बाहुबली है वो श्रवण बेला गाँव में, ये है कर्नाटक में, गुमतेश्वर जो है स्टैच्यू ऑफ बाहुबली जिनको बोला जाता है, ये दिगंबर जैन के सेंट्स हैं। तो दो तरह के सेंट ये हुए जैन, एक हुए कि जो श्वेतांबर हुए, दूसरे हुए दिगंबर। श्वेतांबर नॉर्थ में रहेगा जो कि श्वेत अंबर मतलब उजला वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे इसलिए उनको नेकेड वंस बोलते हैं। स्थूल भ्रद ने, स्थूल भ्रद या स्थूल भ्रद ऊपर वाले लोगों को लेके गए थे, नीचे दिगंबर आ गए थे, ठीक है। तो एक चीज बोला जाता है कि जैनिज्म ने कास्ट सिस्टम को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया था, वो मिडिल पाथ के बारे में बोलते थे। मैंने तीन एरो बनाए, एक है कि डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, बस इतना इन्फॉर्मेशन आना चाहिए आपको कि जैन के बारे में। KFC उन्होंने, KFC जो सब लोग बोलते हैं, डोमिनोज KFC वाला KFC नहीं है, जैनिज्म ने नॉलेज फेथ और राइट, नॉलेज राइट फेथ और राइट कंडक्ट की बात की थी, उनके तीन जो राइट हैं, K फॉर नॉलेज, फेथ, F फॉर फेथ और C फॉर कंडक्ट, ठीक है। और वो प्राकृत लैंग्वेज में काफी चीजें अपनी लिखते थे, ये आना चाहिए। और उनका वन ऑफ द फेमस टेम्पल कहाँ है, दिलवारा टेम्पल एट माउंट अब्बू। तो कोई स्टैटिक प्रिपरेशन नहीं है, करंट अफेयर से जितना नोट्स बना उसी से मुझे, मैं इसी तरह से पढ़ता हूँ, तो इसी तरह से मुझे समझ में आ गया कि भाई ये होता है जैन और इतना ही होता है जैन के बारे में, इतना आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कंडेरी यात्रा। अब जब भी यात्रा कुछ आएगा एग्जाम में ना, तो आप 90% उसको कहाँ मारिएगा, उड़ीसा मारिएगा, क्योंकि वहां जगन्नाथ यात्रा होती है, तो उससे काफी चीज रिलेटेड है। तो कंडेरी यात्रा होता है ट्वाई के लिए, ये सब आएगा नहीं ज्यादा, बहरामपुर उड़ीसा में, और ठकुरानी यात्रा भी होता है उड़ीसा में, ठीक है। पर महाअष्टमी विषय इंपॉर्टेंट है। वनज क्या है, एक ट्राइबल डांस है जिसको म्यूजिक, और म्यूजिक फेस्टिवल है ट्राइबल का है, वन वन से वनज हो गया तो ट्राइबल हो गए, तो उसको एक नेशनल फेस्टिवल घोषित किया गया था 2015 में। सिमिलर लाइन पे मेडाराम की यात्रा होती है डेक्कन में। अब ये यात्रा अलग है, खंडेई यात्रा और ठकुरानी यात्रा तो उड़ीसा में हो रही थी, बट मेडाराम एक जगह है डेक्कन में जहाँ पे कोया ट्राइब्स जो है, जो कि आंध्रा और तेलंगाना में रहते हैं, वो ये यात्रा चलाते हैं फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ डेकन में, ये मेदराम की यात्रा होती है। उसको सोचा जा रहा है जैसे हमने वनज को दिया था, इसी तरह से इसको नेशनल फेस्टिवल दिया जाए। नेशनल फेस्टिवल देने से इसका स्कोप एंड सेलिब्रेशन विल बी ऑफ हायर क्लास, तो इससे इसको इम्प्रूव मतलब ये यात्रा को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा, राइट। तो मेदाराम यात्रा याद रखिएगा क्योंकि उसको नेशनल फेस्टिवल ये दिया जा रहा है, बनाने की सोची जा रही है। वारकारी यहाँ का फेस्टिवल है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का, लोसर लद्दाख का है, कुछ कुछ चीज बस ऐसे ही पता होना चाहिए। देन जलीकट्टू तो मालूम है सबको, पोंगल के टाइम पे होता है, कंबाला कर्नाटक का है कि नहीं। चपचर कट कहाँ का है, मिजोरम का है, ये मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि चप 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 बूट से याद रखता हूँ मैं, कि बम्बू से, कि बैम्बू जो है चप चप करता है, तो चपकर कुट वहाँ मिजोरम में बोला जाता है। और नॉर्थ ईस्टर्न कॉलिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट से कोई भी चीज आएगा तो उसका जो नोडल अथॉरिटी होता है वो डोनर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो ये है मिनिस्ट्री है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन को ग्रो करने के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल क्या है कि उसका हैंडीक्राफ्ट, उसका क्यूजीन सबको डेवलप करने की बात की जा रही है। हॉर्नबिल एक बर्ड है जो कि नागालैंड में बहुत पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, वहाँ का वो स्टेट बर्ड है, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कुंभ मेला को इस बार यूनेस्को ने वर्ल्ड अपना इंटेंजिबल में जोड़ लिया है। कुंभ के बारे में ह्यून सैंग ने भी लिखा था जब वो आया था हर्षवर्धन के टाइम में 7th सेंचुरी में। कुंभ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को का इंटेंजिबल में, इससे पहले योगा जोड़ा गया था, संकीर्तन पिछले साल ही आया था, मणिपुर में जो होता है वो भी जुड़ा हुआ है, छऊ डांस जो है हमारा छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल और झारखंड में जो होता है, कलबेलिया राजस्थान का एक फेस्टिवल, जो भी इंपॉर्टेंट है इनटेंजिबल एसेट्स हैं ये सब, जो यूनेस्को के इनटेंजिबल, एक होता है टेंजिबल एक इनटेंजिबल एसेट होता है। कुडियट्टम है, नवरोज है, रमन है जो कि हिमालय में मनाया जाता है, कुडियट्टम आई थिंक केरला का है, नवरोज भी है कहीं का, है कि नहीं, तो ये वाला पता होना चाहिए। और मैंने ऊपर एक फेस्टिवल छोड़ दिया था, नभा कलेवर, वो श्री जगन्नाथ टेम्पल में मनाया जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है यार, इतना याद नहीं रह पाता है। जलीकट्टू कम्बाला याद होना चाहिए, चपचरकट याद होना चाहिए, हॉर्नबिल याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है, तो कल को आप ये ना कंफ्यूज कर जाएं, जो इंडिया में पहला ये बना है वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम वो मुंबई में हुआ है, पहला इंडियन सिटी। और जो अहमदाबाद को दिया गया है वो क्या दिया गया है, यूनेस्को ने दिया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, कि
एक हेरिटेज सिटी उसको घोषित किया है अहमदाबाद को, ठीक है। और यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया है कल्चर कंजर्वेशन के लिए रंगनाथ स्वामी टेम्पल को। तो देख रहे हैं अभी से कितना कितना कंफ्यूजन हो रहा है। एक टेम्पल है जिसको हमने अभी अवार्ड दिलवाया था, क्या चीज में, आइकोनिक प्लेसेस में, वो अलग टेम्पल था। अब एक रंगनाथ स्वामी अलग टेम्पल आ गया, बट स्टिल आई वुड से कि आप एक दो बार इसको रिवाइज करिएगा तो आपको याद हो जाएगा ये चीज। यही सब क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपके टेस्ट सीरीज में, ये मैंने देखा है, फिर से मैं बोलूंगा। इसमें राज गोपुरम होते थे, बड़े बड़े गोपुरम होते थे, बिगेस्ट गोपुरम एशिया में है। गोपुरम क्या होते हैं, गेटवे होते हैं, ठीक है। ये जो है साउथ इंडिया का है तो वहाँ गोपुरम बड़े बड़े गेटवेज बनाए जाते हैं मार में। और क्या क्या होता है इसमें, द्रविडियन स्टाइल दिखता है, चोला के टाइम बनाया गया था। और मंडपम होता है, मंडपम क्या होता है कि मंडप जो शादी का होता है, बीच का जो हॉल होता है, और शादी का मंडप में क्या होता है कि डिफरेंट जो रूम्स होते हैं उससे जुड़े होते हैं, बीच का मंडप होता है, उसी तरह से मंडपम होता है कि बाकी जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल है वो बीच के हॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें सैंक्टम सैंक्टोरम भी है, सैंक्टम सैंक्टोरम याद होगा हाजी अली टेम्पल में घुसने के लिए, या जो अभी सबरीमाला टेम्पल में घुसने के लिए, कि सैंक्टम सैंक्टोरम जो एकदम बीच का जो गर्भगृह होता है, जो मेन एरिया होता है टेम्पल का, उसका नाम होता है सैंक्टम सैंक्टोरम। तो वहां घुसने के लिए महिला एक थी, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन फाइट कर रही थी, तो वो भी यही है, ये भी वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम डेकन का ही सिर्फ माने कि कौन कौन सा अच्छा था, तो एक दो जो हमेशा एग्जाम में आता है वहां पे लिख दिया गया है, गंगईकोंडा चोलापुरम राजेंद्र वन ने बनाया था, और बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजोर में, और राजराजा वन ने। ये दो स्टैंडर्ड ऑन इन्फॉर्मेशन है, पर क्योंकि ये बार बार आता है इसलिए लिखा हुआ है। चेन्नई को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क घोषित किया, तो जहां पे अहमदाबाद को उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया, उसी तरह से चेन्नई को उन्होंने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क घोषित किया। द डिफरेंस विल ओनली बी क्लियर व्हेन यू रीड इट अगेन एंड अगेन, देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट। ट्राइब्स में आते हैं तो मुझे ट्राइब्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इजीली याद होता है। बोंडा ट्राइब कहाँ पे है भाई, इतना भी याद नहीं रहा कि मलकीगिरी डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपको याद है उड़ीसा है, वो रेमो डिसूजा वाला लैंग्वेज बोलते हैं, रेमो लैंग्वेज लिखा हुआ था, तो ये भी याद रहने का जरूरत नहीं। पर बोंडा ट्राइब उड़ीसा में होते हैं, टोडा ट्राइब नीलगिरी में होते हैं, इवन एक कोटा करके ट्राइब होता है वो भी नीलगिरी में पाया जाता है, और नीलगिरी यूनेस्को का बायो हेरिटेज साइट है। कोटा ट्राइब जो होते हैं वो हिंदू होते हैं, लेकिन वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं। देन सोलिगा ट्राइब जो होते हैं साउदर्न कर्नाटक में होते हैं। रियांग ट्राइब जो है ब्रू चाय कॉफी टाइप का होता है, वो अपने आप को ब्रू बोलते हैं, वो त्रिपुरा में होते हैं। सिद्धी हफ्सी या मकरानी जो ट्राइब है वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे होते हैं, सिद्धी ट्राइब। जरावा तो सबको, मुझे मतलब मेरे से तो इंटरव्यू में पूछा था, जरावा नोंगे सेंथिलीस अंडमान निकोबार में होते हैं, तो मुझे जरावा ये से याद होता है। कोया ट्राइब जो होता है अभी हमने पढ़ा था ऊपर में, कोया आंध्रा में होता है। कोया हमने कहाँ पढ़ा था, अगर आप नोट्स को ध्यान से देखेंगे तो एक जगह पे लिखा हुआ था कोया ट्राइब, आई थिंक ये जो एपिट एक कोया ट्राइब कहाँ पे भी हमने देखा था, कुछ तो कोया ट्राइब सेलिब्रेट करता है, कोया ट्राइब आई थिंक ये जो है ना जीआई इंडिकेटर ईटी कोपा ट्वाइस वाला, वहां पे कोया ट्राइब या कहीं पे तो मैंने देखा था, तेलंगाना कहीं आया होगा, तो कोया ट्राइब पाया जाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो आपको बेसिकली कुछ कुछ चीजें याद होनी चाहिए, बोंडा ट्राइब, टोडा ट्राइब, कोया ट्राइब, ये सब सिद्धी ट्राइब, सम थिंग्स हैव टू बी रिमेम्बर्ड। लैंग्वेज में आते हैं, प्राकृत लैंग्वेज हमने देखा कि जैन का लैंग्वेज है, लेकिन उसको आज तक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं मिला, जो कि 8th शेड्यूल में होता है कि नहीं। कोंकणी है जो कि ओनली लैंग्वेज जिसको 5 डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, गोवा में बोला जाता है कोंकणी। पद्मावत न्यूज में चल रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी ने उसको लिखा है, और अलाउद्दीन खिलजी का उसमें डिस्क्रिप्शन है। अब लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टेस्ट सीरीज वाले हैं, पूरा अलाउद्दीन खिलजी पे ही सवाल चल रहा है, पर ऐसा आएगा नहीं, डोंट वरी, ये सब आने होता है तो आएगा नहीं, सिंपल आएगा पद्मावत किसने लिखा है, यही है यूपीएससी स्टैंडर्ड, इतना टफ नहीं पूछता है। देन वी कम टू टेम्पल्स, टेम्पल्स में और इतना टफ पूछा भी तो इतना याद रहेगा नहीं आपको। टेम्पल्स में आते हैं तो आनंद टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है यार, बगान में जो कि म्यांमार में है, जिसको ASI ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, और इस बार मोदी जी वहां चले गए आनंद टेम्पल में, तो इसलिए न्यूज में आ गया है। उसको ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिस्टोर किया उसका फिर से गौरव गरिमा को, ठीक है। केव्स में हम देखते हैं तो जैसे मैं बता रहा था अजंता केव्स में बुद्धिस्ट है, इलोरा में, इलोरा एक ऐसा केव है जहाँ पे सब है, जैन बुद्धा एंड ब्राह्मण। तो कैसे याद रहेगा, तो मैं कैसे याद रखता था, तो मैं फ्लोरा एंड फाउना सोचता था, तो इलोरा फ्लोरा के जैसा सुनाई देता है, फ्लोरा का मतलब सब होना चाहिए, तो सब है इसमें, जैन बुद्धा एंड फ्लोरा में होता है ना कि सारे जीव जंतु हैं, ये फ्लोरा फाउना वाला। और एलिफेंटा केव में शिव और बुद्ध हैं दोनों, तो अजंता में सिर्फ बुद्ध है, फ्लोरा आपको अगर ये याद रहेगा कि तीनों हैं, तो अगला वाला में जो एलिफेंटा बचता है उसमें शिव और बुद्ध ही होंगे, सिर्फ तीनों नहीं हो सकते हैं, तो जैन कट जाएगा, ठीक है। भीमिकेटा ओल्डेस्ट एक पैलियोलिथिक वहाँ का टाइम का मिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स पाई गई है, पिछले साल से ये चल रहा है। ये पेंटिंग्स में हम आते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है,
अभिंद्रनाथ टैगोर, अभिंद्रनाथ टैगोर के भाई की भारत माला पेंटिंग पाई गई है और उनको वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग बोला जाता है, जो 1857 के बाद इंडिया में डेवलप हुआ आफ्टर 1857। द अदर ग्रेट विन राजा रवि वर्मा ऑफ बंगाल। सो दीज आर द पेंटर्स हु गॉट अ लॉट ऑफ फेम एंड हु आर स्टिल वेरी फेमस। देन प्यूपेट्री में भी बहुत सारा प्यूपेट्री दिया हुआ था, मैंने देखा कि पूरा एक दो पेज दिया हुआ है। आई जस्ट डिलीबरेटली डिलीटेड एवरीथिंग टू रिमेंबर वन ऑफ द पुपेट्री, जो कि विजन और आईएएस बाबा में पूछा गया, ग्लव पुपेट्री। ग्लव पहन के जो पुपेट्री होता है उसमें क्या होता है, पावा पावा कुट्टू केरला में, पावा कुट्टू केरला में जो पावा कुट्टू है ग्लव पुपेट्री टाइप है, केरल में होता है, ठीक है। अब इंडिया होस्ट कर रहा है बिगेस्ट थिएटर ओलंपिक्स। अब भारत में थिएटर फॉर्म्स बहुत ज्यादा है अलग अलग जगह पे, कुछ जो आपको याद होने चाहिए मैंने यहाँ लिख लिया। जैसे जो कश्मीर में थिएटर होता है उसको भांड पत्थर बोलते हैं, जो यूपी में होता है नौटंकी, हाँ तो सब नौटंकी करते रहता है। बंगाल में यात्रा, यात्रा ईस्टर्न साइड का ही है, जैसे हमने उड़ीसा में देखा था। महाराष्ट्र में लो तमाशा बोल दिया उसको, यूपी में नौटंकी, महाराष्ट्र में तमाशा है, गजब है भाई। थिरुकुट्टू बोल दिया तमिलनाडु में, यक्षगान बहुत फेमस है कर्नाटक में, और कुडियट्टम केरला में है। तो दीज आर द फेमस वन, कुडियट्टम, थिरुकुट्टू, दीज आर ऑलवेज आस्क्ड, यक्षगान एंड डोंट बी सरप्राइज भांड पत्थर इन नौटंकी इज ऑल्सो आस्क्ड दिस ईयर। So therefore the major ones have been written. There were at least 15-20 they were giving. I just filtered it out. Now music and dance में गिरिजा देवी जो थुमरी डांस की थी वो पास अवे कर गई। तो थुमरी डांस में वीमेन परस्पेक्टिव, थुमरी डांस नहीं म्यूजिक से रिलेटेड थी, थुमरी म्यूजिक, आई बेग योर पार्डन, वो वीमेन परस्पेक्टिव से म्यूजिक फॉर्म है और वो हिंदुस्तानी वेरी मतलब हिंदुस्तानी म्यूजिक का वन ऑफ द फेमस है आई थिंक थुमरी म्यूजिक। और जिसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक हुआ है जिसमें वैदिक ट्रेडिशंस का काफ़ी हमें स्कोप दिखता है। जो कार्नेटिक म्यूजिक है ऐसा नहीं है कि वो रॉक म्यूजिक है या वेस्टर्न साउदर्न म्यूजिक है। कार्नेटिक म्यूजिक थोड़ा साउदर्न इन्फ्लुएंस है बट भक्ति मूवमेंट के टाइम में डेवलप हुआ था। तो पुराना कौन है, हिंदुस्तानी ख्याल वाला जो है ये सब, और जो नया है वो क्या है, कार्नेटिक है, ठीक है। कुछ और जानने के लिए ध्रुपद तानसेन के साथ रिलेटेड था और ख्याल जो अपना अमीर खुसराव दिया था, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन। डांस में क्या क्या याद रखना है, तो सांग्राई डांस जो होता है त्रिपुरा में होता है, इस बार परेड में पहली बार आया था सांग्राई डांस, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और इसको मॉक ट्राइव्स करते हैं। अब विज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, एक डांस फॉर्म पे बुक लिखी थी, इसमें इन्होंने मालविका अग्निमित्र भी लिखी थी, मालविका और अग्निमित्र की शादी की कहानी थी ये, 2016 में क्वेश्चन आ गया था डायरेक्टली यूपीएससी में। तो कालिदास इंपॉर्टेंट है, सतरिया डांस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद पिछले साल आया था आई गेस, वैष्णव के लिए होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में वैष्णव विष्णु भगवान का काफी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में ये है भाई, ठीक है। सो सतरिया डांस वैष्णव का है, मजूली आइलैंड के पास है, मजूली आइलैंड खुद ही न्यूज में चलते रहता है। मणिपुरी जो डांस उसमें लय हर बोरा और वैष्णविज्म और राधा कृष्ण, फिर से वैष्णविज्म है तो विष्णु भगवान का राधा कृष्ण होगा, लय हरोबा वहाँ का ये है शायद आई थिंक फेस्टिवल है जहाँ पे मणिपुरी डांस होता है। मोहिनी अट्टम केरला में होता है जो वीमेन करती है सिर्फ। कुचिपुड़ी ब्रास प्लेट पे किया जाता है जिसको तरंगम बोलते हैं, जिसमें डांसर और सिंगिंग दोनों किया जाता है, आंध्र प्रदेश में होता है। देन कथकली केरल में होता है, इसमें डांस और कथा और कली दोनों, तो कली मतलब एक तरह से नाची और कथा मतलब डांस होगा, स्टोरी एंड ये दोनों होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु एंड एक हारे होता है, मतलब आप भरतनाट्यम में मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं। ओडिसी जो है त्रिभंगा होता है, त्रिभंग से भी एक सवाल 2014 में आया था। त्रिभंग सबसे मतलब एक वन ऑफ द बिल्कुल ही कुचिपुड़ी और कथक कली के जैसा बहुत ही प्यारा डांस फॉर्म है। अगर आप उसका, इसका मैं ये बोलूंगा कि आप सारा गूगल पे टाइप करके विकिपीडिया पे आइए, एक बार उसका फोटो देखिए कि त्रिभंग में कैसा पोस्चर दिखता है। त्रिभंग तो बॉडी पूरा तीन भाग में दिखता है ऐसे करके, एकदम बॉडी वीमेन लोग ऐसे कर लेती है। देन कथक जो है वो यूपी में होता है, कथक वर्ड कथिका से है, कथिका मतलब स्टोरी होता है। तो सितारा देवी करके बिरजू महाराज ये लोग जो है कथक से रिलेटेड थे। और फाइनली जो भरत मुनि थे उन्होंने बोला कि डांस में तीन चीज होती है, एक होता है नाट्य, एक होता है राइट हैंड साइड में देखिए नोट्स में दिखेगा आपको मैंने लिखा है, नाट्य होता है, नृत्य होता है, नृत्य होता है। तो नाट्य होता है ड्राम, नाटक करना ड्राम होता है, नृत्य नृत्य का मतलब होता है नृत्य और नृत्य, नृत्य नृत्य नृत वो जो है वो डांस है सिर्फ, नृत्य जो हो गया जिसमें वो बेसिकली एक्सप्रेशन है। तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कुछ ड्रामा कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, डांस ड्रामा हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तीनों को बोला जाता है। ये कभी आएगा नहीं हर बार, लेकिन इन लोग लिख देता है। अब इससे जो सवाल मुझे लगता आएगा वो ये सब आएगा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो बोला खड़क मुर्गा वाला वो काफी इंपॉर्टेंट है जी आई इंडिकेटर में। फिर सेकेंड मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम मुंबई में हुआ है, पहला इंडियन सिटी बना है वो इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला को बोला जा रहा है कि नेशनल पिलग्रिमेज सेंटर देने की बात की जा रही है, ये भी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। महानदी रिवर के चारों तरफ डॉक्यूमेंट किया जा रहा है इंटेंजिबल एंड टेंजिबल हेरिटेज। स्पर्श योजना फिलाटली से रिलेटेड है। स्वच्छ आइकोनिक प्लेसेस में
जो मिला है वो मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल को मिला, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, चार्डी के अंदर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर में अडॉप्ट है हेरिटेज स्कीम है जिसमें मॉन्यूमेंट मित्र बनाए गए हैं। पीपल में वासावन वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने वचन लिंगायत वीर शैविज्म 12th सेंचुरी ईस्टलिंग ये सब था। उसके बाद फिलोसफी आप खुद से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने द्वैत द्वैत विशेष द्वैत्व किया था रामानुजाचार्य ने। देन आगे बढ़ते हैं, पाइका रिविलियन 1817 में होता है, 1817 उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित किया जाना चाह रहे हैं, किया भी अपने इसने। बैटल ऑफ कोरेगांव का भी 200th सेंचुरी हुआ है, महार जो अनटचेबल थे उन्होंने लड़ाई की थी इसमें। महाअष्टाभिषेक जो हो रहा है वहाँ श्रवण बेला गाँव में हो रहा है, घुमटेश्वर स्टैच्यू ऑफ बाहुबली जो है उनके लिए हो रहा है, दिगंबर जैन सेंट्स वहाँ पे थे। देन वी कम टू चिपचपरकुट, आपको पता होना चाहिए, मेंडाराम यात्रा आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, मेंडाराम यात्रा से कोया ट्राइब रिलेटेड थे, पीपल हैड कमेंटेड आल्सो, आई बिग योर पार्डन, वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, सॉरी, वहाँ पे लिखा हुआ था तेलंगाना एंड वहाँ पे, ठीक है। देन वनज को पिछले बार बनाया गया था, तो मेदारम यात्रा को इस बार बनाया जाने का सोचा जा रहा है, नेशनल फेस्टिवल। और हॉर्नबिल और ये सब तो ठीक है, कुंभ मेला को इस बार यूनेस्को का इंटेंजिबल में जोड़ा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया जाएगा, ठीक है। और ट्राइब्स में टोडा ट्राइब्स और जरावा और सिद्धि ये सब थोड़ा पता होना चाहिए, बोंडा ट्राइब है कि नहीं, जो एक पीवीटी जी का भी नाम मैंने बताया था पिछले बारे में, मनकीडिया, वो पता होना चाहिए आपको। लैंग्वेज में यार ठीक है सब, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा ये पता होना चाहिए। आनंद टेम्पल बागान म्यांमार में है, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको ठीक करा ये पता होना चाहिए, ये तीनों बिल्कुल याद होना चाहिए। अजंता बुद्धिज्म के लिए इलोरा फ्लोरा आता है, फ्लोरा में सब होता है तो तीनों होगा, और एलिफेंटा बचा तो उसमें क्या होगा, सिर्फ जैनिज्म हट जाएगा, बुद्धिज्म और क्या होगा, हिंदुइज्म हो जाएगा, ठीक है। भीमबेटका पुराना ये है, अब ये न्यू पेंटर्स का कुछ कुछ नाम पता हो जाए तो ठीक है। पवकुट्टू क्या है, ग्लब पोटरी है, एकदम स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन, इफ यू नो गुड, इफ यू डोंट नो यू माइट लूज द मार्क्स। फिर ये सब पता होना चाहिए, यक्षगान कर्नाटक का है, क्योंकि ये क्या होता है ना, अगर आपको यक्षगान पता है और तीन ऑप्शन आया तो एक ऑप्शन तो आपको मालूम चल जाता है ना कि यक्षगान मुझे मालूम है, तो ये उस जगह पे आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अल्टीमेटली जो डांस में वो सतीरिया डांस या कोई भी नॉर्थ ईस्ट का डांस है वो जनरली विष्णु भगवान से रिलेटेड होता है, वैष्णविज्म सेंट से, ठीक है। बाकी कथकली और ये सब पूछ दिया तो ठीक है, कुचिपुड़ी आता है आपको पता है, देखा है कभी किया है, तो यू विल गेट द आंसर, यस इट्स फाइन। ओडिसी में त्रिभंग पोस्चर होता है, दिस शुड बी नोन, सतरिया डांस क्या होता है, मणिपुरी डांस क्या होता है, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस कम्प्लीट्स द कल्चर पार्ट, आई होप सिंसियरली दैट दिस विल गिव यू अ गुड फ्लेवर ऑफ वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड वुड यू बूस्ट योर मोरल। नेक्स्ट इन द लाइन वुड बी पोलाइटी, विल बी ट्राइंग टू कम्प्लीट इट सून बाई 2 o'clock एंड देन इन 1 hour विल कम्प्लीट SNT, बाई 3 विल बी डन फॉर द डे, ठीक है। विल टेक अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स एंड विल बी बैक बाई 1:35। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इन द नाइट एंड आई होप इट इज डूइंग अ जस्टिस टू योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।